Okay, so today we will start in the continuity of chapter number 2 some new topics. So first we have discuss relation between surface charge density and radius of curvature of a conductor. This is a topic we have considered two spheres . One is bigger, one is smaller. And they are separated by a very long fine wire. One is having radius R1. Second one having radius R2. First one given is charge Q1, second given is charge Q2. And remember this Q1 is here what and Q2 is what. These are the charges when they are finally get settled. Remember ye charges Q1 Q2 kaun se hain? जब ये एक वायर के साथ अटैच हो गए और फाइनली वो सेटल हो गए तो वो जो फाइनल चार्जेस इन बॉडी के ऊपर है वो Q1 है और Q2 है. ठीक हो गया. दिस इज ए वेरी फाइन लॉन्ग वायर. लॉन्ग वायर हमने इसलिए ली है ताकि ये दोनों इतनी दूर हैं ताकि इनकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपस में ये एक दूसरे को डिस्टर्ब ना कर सके. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टेकन बिकॉज स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डोंट गेट डिस्टर्ब. क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो आप फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे. ओके okay. अच्छा ये बताओ, इफ दिस इज ए स्फीयर एंड हैविंग ए चार्ज क्यू रेडियस कैपिटल आर, आई वॉन्ट टू फाइंड a potential at outside point at a distance small r. Who can tell me this potential? Raise your hand. अगर ये एक sphere है और उस पे q charge distribute है और ठीक है ना, हाँ, दिस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. रिमेम्बर क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. सारी बातों पे ध्यान देना है. सो हु कैन टेल मी द पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट पी.
कोई नहीं, किसी को नहीं मालूम। ओके कौन मुझे नहीं बता सकता, ये पता चल रहा है, या किसे नहीं मालूम? ठीक है, आपको नहीं मालूम है। ओके तो एक बात आपको याद दिलाई जाए। अच्छा, आप में से चलो पोटेंशियल आपको नहीं मालूम, पर कितने लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है? इन द सेम सिचुएशन, नो नीड टू ड्रॉ अनदर डायग्राम, इन द सेम सिचुएशन नाउ रेज योर हैंड, हु कैन टेल मी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। हाँ बबीता बताओ। सो फॉर्मूला लगा देंगे 1/4πε0Q/r² वाला। इसका मतलब ये हुआ बबीता कि आपने टोटल चार्ज को कहाँ पे अज्यूम कर लिया? सेंटर। सेंटर टोटल चार्ज एट सेंटर ओ, अज्यूम सेंटर ओ। बेटा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेंटर मान के सेंटर पे टोटल चार्ज अज्यूम करके अगर पी पे निकाल सकते हो, तो इसका मतलब कि टोटल चार्ज का बिहेवियर कैसा है? इट इज बिहेविंग लाइक ए टोटल क्यू चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट ए, इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट बिहेवियर है, चाहे तो आप वहीं पे मान लो, चाहे उसकी जगह क्या मान लो, ओ पे। तो अगर आपका चार्ज ओ पे एक पॉइंट चार्ज बिहेव करने लग गया, तो पॉइंट चार्ज से रिलेटेड पोटेंशियल क्या होना चाहिए पी पे? बबीता, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो पढ़ा हुआ हमने। क्या वो हमने ये नहीं पढ़ा बेटा, 4πε0 ये वाला? सो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री दैट द पोटेंशियल एट पी शुड बी गिवन बाय दिस रिलेशन? नाउ रेज योर हैंड फॉर दिस। ठीक है, इट शुड बी गिवन। एंड इफ आई आस्क यू व्हाट इज पोटेंशियल एट द सरफेस, अगर हम सरफेस पॉइंट मान ले, यहां पे पीएस मान लेते हैं द सरफेस पॉइंट, सो आपको नहीं लगता क्या, If I put this small r equal to capital R, तो क्या वो पोटेंशियल हमें मिलनी चाहिए? How many of you agree this time? ठीक है, भी यहां तक भी बात आपको समझ में आ गई कि बाहर वाले पॉइंट के लिए कैसे निकालना है, सरफेस के लिए कैसे निकालना है, रेडियस बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब एक और पॉइंट की बात कर ली जाए, व्हाट विल बी पोटेंशियल एट सेंटर ओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज पोटेंशियल एट सेंटर ओ, ये कोई बता सकता है? रेज योर हैंड। आपका हाथ गलत नहीं रेज होना चाहिए, रिमेम्बर, एकदम अलर्ट रहो। हाँ वंदना बताइए, क्या होना चाहिए सेंटर पे पोटेंशियल? Someone is saying infinity, someone is saying zero.
हाँ बोलो वंदना। आपको जीरो पुट करना तो इनफिनिटी। आपकी एक तो आवाज नहीं आती, माइक को सही तरीके से यूज करो। सर आर को अगर जीरो पुट करेंगे तो इनफिनिटी आना चाहिए। आर को अगर जीरो नहीं आना चाहिए तो आना चाहिए। यू सपोर्ट ये चाहिए वाला आंसर आप सपोर्ट करते हो कि नहीं? यस सर आप सपोर्ट करते हो। ओके पर आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग इतना चैप्टर पढ़ चुके हो, आपने कई बार देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड तो एग्जिस्ट करती है, मेटल के आउटसाइड पॉइंट्स पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और इनसाइड वाले पॉइंट पे क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड को? जीरो। तो भाई इनसाइड और आउटसाइड का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिहेवियर पे? मुझे ये बताइए अगर आप सपोज पी पे कोई पोटेंशियल वैल्यू है तुम्हारे पास, मान लो 100 वोल्ट है, अब तुम कह रही हो कि ओ पे इन्फानाइट आनी चाहिए सर, इसका मतलब आप ये कह रही हो कि सर फर्दर जब टेस्ट चार्ज को पी से हम आगे लेके जाएंगे, ओ तक लेके जाएंगे, तो हमें इतना वर्कन करना पड़ेगा कि वो वर्कन बढ़ते बढ़ते कितना हो जाना चाहिए? इन्फानाइट। तो भाई यहाँ पर कौन आ गया, वो कौन सी वो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी आ गई जिसने इतनी रेजिस्टेंस कर दी कि वो वर्क डन इनफाइनाइट हो गया? इतनी स्ट्रॉन्ग कौन सी आर्मी आ गई यहाँ पे? जबकि और आर्मी क्या, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो चुकी है वंदना, तो ये पोटेंशियल इंक्रीज कैसे हुआ? जब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फिर तो वर्क डन तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, देन हाउ यू विल इंक्रीज द पोटेंशियल? आ रही बात समझ में? Yes. So these kind of the concepts you people required to apply in the chapter potential. अगर तो concept समझना है, ठीक है, और अगर 90% लोगों का हिस्सा बनना है तो फिर ठीक है, derivation ही कर लो भाई, खत्म होगी बात। और सिर्फ बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ मेरे पढ़ाने तक लिमिटेड मत रखो अपने आप को। यू हैव टू रीड योर सेल्फ ऑल्सो। रीडिंग के लिए टू टेक्स्ट बुक्स यू कैन रेफर, वन इज एनसीईआरटी, सेकेंड बेस्ट वन इज एससी वर्मा। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही चाहिए, अदरवाइज फिर क्या मतलब है? बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो जानकारी दे रहा हूँ, उतनी मान रहे हो। अब ये मेरे ऊपर है भाई, अब तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ठीक है, यू आर गेटिंग द बेनिफिट। व्हाट इज पोटेंशियल एट सेंटर ओ? तो भाई क्या होना चाहिए, अब जीरो वाली बात भी नेग्लेक्ट हो गई, सॉरी अभी तो इन्फानाइट को नेग्लेक्ट किया, क्या जीरो होना चाहिए पोटेंशियल? इज इट पॉसिबल जीरो? बोल नहीं रहे मंजीत, इज इट पॉसिबल टू हैव पोटेंशियल? भाई सरफेस पे पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा हो और इनसाइड पोटेंशियल जीरो हो, इज इट पॉसिबल? अगर सिर्फ ये सिचुएशन है, इसके अलावा कोई और नई बात नहीं है, टोटल पे चार्ज क्यों है, दिस इज इनफाइनाइट पॉइंट। मंजीत सिंह नो, क्योंकि एक बार ये बात पहले भी आपको बताई गई थी, याद नहीं रखते हो ना पढ़ते हो, कुछ एक्स्ट्रा तो बताते ही नहीं हो जितना मैंने बताया, दैट्स इट। मेरा भी फायदा किया करो कभी, हमारी नॉलेज भी कुछ इंक्रीज होनी चाहिए आपके सवालों से। आपको डिस्क में बताया था इससे रिलेटेड, तो क्यू नॉट से जब पी तक आप लाएंगे तो भाई वर्क डन तो हुआ ना इन्फिनिटी से पी तक लाने में, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? नाउ गिव क्विक रिस्पॉन्स। अब जो ढीला रहेगा मैं निकाल दूंगा उसको ग्रुप से। तो इन्फिनिटी से पी तक का वर्क डन
आपका आना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि टेस्ट चार्ज अपोज होगा। अब जब वर्क डन आना चाहिए डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज करोगे तो भाई पोटेंशियल भी आना चाहिए। पी तक का पोटेंशियल आ गया तो पी के बाद तो और पोटेंशियल ऐड ही होना था, ठीक है, बट क्योंकि इतने हिस्से में ई जीरो है तो इसलिए पोटेंशियल और एडिशनल ऐड नहीं हुआ, बट पोटेंशियल पी तक वाला तो काउंट ही होना चाहिए। यस और नो? हाउ मेनी सपोर्ट? यस, पी तक का तो काउंट ही होगा ना बेटा। इन्फिनिटी से लेके आपने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला सिंपल, अगर मैं बताऊं, अगर इस फॉर्मूले को हम लगाएं तो जो कंसेप्ट है वो ये बनना चाहिए, ठीक है। मुझे ये बताओ क्या इतने हिस्से को हम इन दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, इन्फिनिटी से पी सरफेस वाला? रिमेम्बर, इन्फिनिटी से पी सरफेस प्लस पी सरफेस से ओ, क्या इस ऊपर वाले वर्क डन को इन्फिनिटी से ओ को ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है? एक बार नीचे हाथ कर रहा हूं, हाउ मेनी ऑफ यू सपोर्ट दिस सिचुएशन? ठीक है, अगर ऐसे किया जा सकता है तो इसको करके देख लो ना। बहुत बहुत सारे तरीके हैं देखने के, उनमें से ये भी एक तरीका है भाई। यहां तक का जो आंसर है वो उसको क्या कहते हैं, द पोटेंशियल एट सरफेस, और ये वाला क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए ये वर्क डन क्या होगा, जीरो होना चाहिए। सो V इन्फिनिटी को आप वैसे जीरो मानते हो तो आंसर क्या आया? नाउ टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड, ये क्या समझा दिया मैंने, कितने लोगों को बात समझ में आ गई है ये? अमरनाथ, ये बीपीएस क्या होता है? अच्छा, इसी को बीपीएस कह रहे हो तुम, ओके। तो बेटा एक तो तरीका ये भी है समझने का कि सेंटर पे पोटेंशियल वही रहेगा जो सरफेस पे। यहां से आप एक रिजल्ट के तौर पे चीजों को याद कर लीजिए। अच्छा एक चीज और, यही वाला आंसर एक और मेथड से आ सकता है, अल्टरनेटिव मेथड अगर लगाए हम, सो दिस इज द सरफेस पॉइंट, ओ क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड हो गया, ठीक हो गया बेटा। तो अब अगर आप यहां पे ये इस्तेमाल करें रिलेशन, इसको जब आप लगाओगे दो पॉइंट्स के बीच में, आप इसको लगा सकते हैं, वो दो पॉइंट है मेरा पीएस और ओ। सिंपल, सिंस ई इज जीरो, बिकॉज ई इज जीरो तो ये राइट हैंड साइड सारा जीरो हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा आंसर? सो देखिए बहुत सारे तरीके हैं, आपकी मेहनत है भाई, कितनी मेहनत करते हो। पकी पकाई खीर खानी है तो वो तो फिर आपको लिमिटेड ही मिलेगी ना, हर समय थोड़ी ना कोई पकाता रहेगा 24 घंटे और सारी जिंदगी, आपको खुद सीखना पड़ेगा।
तब अपने लिए कुछ बना सकते हो और दूसरों के लिए भी. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हाँ ठीक है ओके. तो अब इसका मीनिंग क्या है? यहां से कुछ रिजल्ट निकल रहे हैं जो दिमाग में रखिएगा. समझा मैंने दिया? रिमेंबर रिजल्ट्स फॉर पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल. स्फेरिकल शेल क्या रिजल्ट है? फर्स्ट फॉर आउटसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय जिसमें आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ आउटसाइड पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर. फॉर सरफेस पॉइंट सिंपल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जिसमें रिमेंबर ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ स्फीयर. एंड थर्ड वन इज फॉर इनसाइड पॉइंट पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस. आज इसको हम इन तीनों रीजन्स को इस्तेमाल करेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छे से. सो रिमेंबर फिट दिस रिजल्ट इन द माइंड. तो इनसाइड वाले एक काम कर लेते हैं. चलो ये आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा, ये सरफेस हो जाएगा. डोंट गेट कंफ्यूज, ये हो जाएगा इनसाइड. तो इनसाइड वाला जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है? हमने कहा सरफेस के. और सरफेस का रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे. सो नाउ रेज दो स्टूडेंट्स जिन्होंने इसको मेमोराइज कर लिया अपने दिमाग में, उन्हें याद हो गई ये तीनों रिजल्ट. अब केवल वही बच्चे हाथ खड़ा करें. ओके, आई होप एवरीवन हैव मेमोराइज्ड. नाउ अब इन बातों को यूज करेंगे हम. नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट दिस सिचुएशन. अब इस सिचुएशन में देखो, ये एक स्फेरिकल स्फीयर है, स्फीयर कंडक्टर का हो. रिमेंबर स्फीयर कंडक्टर में अगर मैंने कंडक्टर बोल दिया तो चाहे मैं इसको शेल कहूं या सॉलिड कंडक्टर कहूं, बिहेवियर सेम रहेगा. रिमेंबर क्यों ऐसा? क्योंकि सारे चार्जेस सरफेस पे आ जाते हैं. रिमेंबर ये सारी पिछली बातें हैं. ये इसलिए सिंपल स्फीयर कंडक्टर के अंदर दोनों केस कवर हो जाते हैं, सॉलिड वाला भी और शेल वाला भी. ठीक है, बोथ आर स्फीयर कंडक्टर. सो इफ बोथ आर स्फीयर कंडक्टर तो भाई
अगर आप इसको एक कंडक्टिंग वायर से अटैच करोगे तो कुछ देर के बाद क्या होगा, क्या होना चाहिए थोड़ी देर के बाद, उनके पोटेंशियल इक्वल होने चाहिए। लेट Q1 एंड Q2 आर चार्जेस ओवर स्फीयर्स when their potential becomes equal. ठीक है, अच्छा किसको मालूम है कि इनके पोटेंशियल क्यों इक्वल होंगे? रेज योर हैंड एनीबॉडी वांट टू आंसर why we are saying their potential becomes equal? हाँ वंदना, respond sir, conduction की वजह से charges flow करेंगे, इसलिए conduction तो एक वो हो गया, पर conduction ही क्यों होती है? कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वायर। वायर ने तो रास्ता बनाया ना, वायर ने रास्ता बनाया, वायर ने सिर्फ हेल्प की है। चार्जेस डिफरेंस इन पोटेंशियल, करेक्ट मेहुल। इनके बीच में बेटा चार्जेस फ्लो करने का एक ही तरीका है, अगर इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, तो फिर चार्जेस फ्लो करेंगे और फिर फाइनली वो फ्लो कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों के इक्वल ना हो जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंसेस। अभी भी गलत, पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होना पड़ेगा, पोटेंशियल इक्वल होना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? How many of you got the point why the potential has to become equal? ठीक है ना, ये तो हमने उसमें भी इलेक्ट्रिक इंडक्शन मेथड में भी समझा था, यही चीजें इन्हीं बातों को समझा था। तो इसीलिए मैंने कहा कि Q1 और Q2 वो चार्जेस हैं जो फाइनल सेटलमेंट हो गई जब इनकी पोटेंशियल, अच्छा इस बात को तो आप मानते हो ना कि पोटेंशियल इक्वल कहने का मतलब ये है कि चार्जेस डिफरेंट होंगे बिकॉज देयर रेडियस इज डिफरेंट। ठीक है बेटा, बट अगर इनके रेडियस इक्वल होते, सपोज रेडियस इक्वल होते, तब आपको लगता है चार्जेस को भी इक्वल होना पड़ता? तो इन सारे पॉइंट्स को आपको मिला के कंबाइन करके, बहुत ही तगड़ा चैप्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फील्ड पोटेंशियल, मतलब पूरा एक आप कह लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच इस पे टिकी हुई है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच इस पे टिकी हुई है, कोई मजाक थोड़ी है। सब कुछ इन्हीं बातों पे डिपेंड करता है, हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो फाइनली इस बात को मान गए कि पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, तो अब कर देते हैं भी इनको इक्वल, पोटेंशियल 1 पोटेंशियल 2, और अभी हमने आज ही सीखा है पोटेंशियल कैसे लिखना है। ये बात हो रही है इनके पोटेंशियल एट द सरफेस की, रिमेम्बर कहाँ की बात हो रही है, सरफेस के ऊपर, क्योंकि इन वायर को आपने इस इनके सरफेस के साथ टच किया होगा ना, तो वो पोटेंशियल एट द सरफेस वाला वैलिड होगा। तो यहां से आपके पास रिजल्ट है Q1 बाय Q2 R1 बाय R2 मेक इट 1
उसके बाद वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो एक काम करते हैं, लेट सिग्मा वन इज व्हाट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन स्फीयर वन, रेडियस वन वाला स्फीयर वन है and this is sphere 2. So what is formula for sigma? Who can tell me formula for sigma? Quickly apne reply bhejo zara chat box mein. First Q by area of sphere, correct? So Q1 by 4 pi R1 square, make it 2. What is sigma 2? Surface charge density on sphere 2. So it is Q2 by 4 pi R2 square, दोनों को divide करिए, 2 divide by 3, divide 2 by 3, sigma 1 by sigma 2, you can see what is cancelling out, 4 pi. So Q1 by Q2 R2 square over R1 square. From equation 1, what we have? See what we have. We have Q1 by Q2 ratio R1 over R2. So Q1 by Q2 ratio ko fill up karte hain. R1 by R2. Cancel. See, this is the relation which tells us the relationship between the surface charge density and surface charge density and the radius of curvature. So you can see it is found to be inversely to the radius. Kya meaning banega ki more radius of curvature and we have a less surface charge density. Okay, we have a less surface charge density. Iska meaning ye bana, if I make this situation, I'm taking few points 1 and 2. Batao kahan pe sigma, kahan ka sigma jyada hoga, jaldi batao, sigma 1 ya sigma 2, which is more, jaldi fast.